मैं कहानी से शुरू करूंगा थोड़ा छोटा सा। बहुत बहुत साल पहले मैंने कहानी से सुना है कि एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और उसने बोला कि आप तो बहुत महान गुरु हैं, एनलाइटेंड हैं, तो आप सबको एनलाइटेंड कर दो। और स्पेशली एक गांव गांव में रुके थे वो, तो कहानी थी कि उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ऐसा एक आदमी लेकर आओ जो एनलाइटेंड होना चाहता है। तो फिर वो मतलब जिसको भगवान का ज्ञान हो जाए, फिर वो बोलता है ऐसा क्या है, एनलाइटनमेंट तो सबको चाहिए होता है, कौन नहीं चाहता एनलाइटनमेंट। तो बोला ठीक है, ले आओ सब गांव वालों को इकट्ठा करो, आज मैं एनलाइटनमेंट दूंगा। फिर कहानी ऐसे है कि वो गया एक एक घर घर में नॉक करके, लोगों को बोला प्लीज चलो आज आज भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत डिसाइड किया है कि एनलाइटन कर देंगे, और एक भी बंदा नहीं आया। कोई कोई बोलता था एनलाइटन हो जाएंगे, क्योंकि सबका अपना आइडियाज है एनलाइटनमेंट के बारे में। लोग बोलते थे एनलाइटन हो जाएंगे तो बाल बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर तो साधु बन जाएंगे। कोई बोलता है कि, और जिन लोगों को आइडियाज नहीं था वो लोग भी अंदर अंदर डरते थे, क्योंकि अगर क्या पता अगर सब कुछ ऐसा कुछ हो गया कि सब माया मोह सब खत्म हो गया तब तो छूट ही जाएगा। तो कोई बोलता है मेरे बच्चे का शादी है, मेरे बच्चे की भी पढ़ाई है, मेरा तो खेत है, मेरा ये है, मेरा वो है। कोई बंदा नहीं आया। तो फिर कहानी यह है कि तो एनलाइटनमेंट जैसा प्रोसेस के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हम लोगों का जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल में एक प्रॉब्लम है कि वी हैव बीन गिवन समथिंग कॉल्ड एज फ्री विल। हमको फ्री विल दिया है भगवान ने, ये एनिमल्स को नहीं दिया है। फ्री विल मतलब अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है, बुरा करते हैं तो उसका बुरा रिजल्ट आता है। कोई आदमी चाहे तो ड्रिंक कर सकता है, उसको लिवर में प्रॉब्लम होगी तो करेगा ऐसा, लेकिन एनिमल्स को ये फ्रीडम नहीं है। एनिमल्स आर बाउंड विथ इंस्टिंक्ट, मतलब एनिमल्स का ये होता है कि अगर कोई खाना उनको बॉडी को सूट नहीं कर रहा है तो वो नहीं खाते, लेकिन हम धीमे धीमे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जब पहली बार कोई ड्रिंक करता है या तो सिगरेट पीता है तो बहुत टेस्टी लगता नहीं है, लेकिन वो देखता है 10 लोग कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, धीमे धीमे आ जाता है। ये फ्री विल हमको मिला तो है कुछ ऊपर का काम करने के लिए, लेकिन हम उसको यूज करते हैं नीचे का काम करने के लिए। बहुत बहुत से लोग ऐसा रोते भी हैं, बहुत भक्त लोग बोलते हैं भगवान आपने क्यों हमको ऐसा फ्री विल दिया है, फ्री विल छीन लो हमसे, खाली तुम्हारी मर्जी हो मेरा मर्जी हो ही ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी फ्री विल के तहत एक चीज हम लोगों ने खोजी है कि जो हमारा प्रॉब्लम्स है, हमारे जो परेशानियां हैं, दे आर नॉट कॉज्ड बाय अदर्स, दे आर नॉट इवन कॉज्ड बाय अस। ऐसा नहीं है कि हम मैं अगर एक जॉब कर रहा हूं या तो मेरी जॉब छूट गई तो मैंने अपनी जॉब छुड़वाई है, मैंने अपने बॉस को बोला है कि मुझे रिजिग्नेशन दे दो, वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो मेरा रिस्पॉन्स है वो मेरा ऑटोमेटिक लर्निंग है। ऑटोमेटिक लर्निंग क्या है, किसी को देखा अच्छा लगा तो हमने किया। जो आपने जैकेट पहना है, आपने फिल्म में देखा होगा किसी ने पहना है, आप शॉप में गए आपको अच्छा लगा आपने पहन लिया, मैंने ये स्वेटर पहना है तो ये ऑटोमेटिक लर्निंग है। को 10 स्वेटर दिखाया तो मुझे ये स्वेटर क्यों पसंद आया पता नहीं है, कहीं ना कहीं में मेरा कहीं ना कहीं से मैंने सीख लिया होगा उसको। एक बच्चा है किसी को बड़े को देखता है तो वो सिगरेट पी रहा है तो कागज का ऐसा बना करके मुंह में डालता है, वो ऑटोमेटिक लर्निंग है। छोटा बच्चा शीश बोलता है कि आज आज मैं फर्स्ट आऊंगा आपसे जीत जाऊंगा, तो ये जीतने का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे मालूम कि जीतना अच्छी चीज होती है, किसी और को बोलते हुए देखा। तो एक मजे की चीज तो ये भी मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया कि इवन डेथ जब कोई मरता है और हम लोग रोते हैं वो रिस्पॉन्स भी दुख से नहीं आता है, वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। मतलब रोते हैं हम तो बचपन में देखा है कि मम्मी रो रही है या पापा रो रहे हैं किसी की डेथ पे, लोग दुखी हो रहे हैं इसलिए हमको भी दुखी होना चाहिए, बिकॉज ऐसे कल्चर्स हैं अफ्रीका के जंगलों में जो मरने के बाद खूब वो